जय हिंद, मैं अजय कुमार। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल अजय बायो डॉट क्लासेस पर। और आज हम आप जानेंगे ग्लास बेयर्स, मेन ग्लास बेयर्स जो काम आते हैं लैब में, और इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके बिना आप प्रैक्टिकल कर ही नहीं सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कॉलेज में एग्जामिनर वाइबल लेने के लिए आता है और आपको जो है आपके लेबोरेटरी कक्ष में भेज देता है, आपको आपके जो है प्रयोगशाला कक्ष में भेजता है और कुछ जो है ग्लास बेयर्स को लाने के लिए कहता है और आपको जो है उन ग्लास बेयर्स के विषय में नॉलेज ही नहीं रहता है, ग्लास बेयर्स का नाम ही नहीं पता होता है। तो आज की क्लास में हम मेन ग्लास बेयर्स के बारे में जानेंगे जो काम आते हैं लैब में। तो ये डायग्राम है आपके सामने बीकर का। इस ग्लास बेयर्स को बोलते हैं बीकर। इसमें आप लिक्विड एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल सकते हैं। ये अलग अलग साइज के होते हैं, देख सकते हैं आप, इसमें देख सकते हैं आप। ये ग्लास यानी कि कांच, मेटल, स्टील या एल्यूमिनियम अथवा प्लास्टिक के बने होते हैं। आगे देखिए, ये है कोनिकन फ्लास्क, इनका एक और नाम भी होता है अर्लेन मेयर फ्लास्क या टाइट्रेशन फ्लास्क। ये ग्रेजुएटेड होते हैं, यानी कि इनमें देखेंगे तो यहाँ पर जो है मापन बना होता है, कुछ पैमाने बने होते हैं। तो इन कोनिकन फ्लास्क में जिसमें पैमाना बना होता है वो ग्रेजुएटेड कोनिकन फ्लास्क कहलाते हैं, और जिसमें पैमाना नहीं बना होता है ये जो है नॉन ग्रेजुएटेड कोनिकन फ्लास्क कहलाते हैं। ये ग्लास व प्लास्टिक के बने होते हैं। ये है आपके सामने मेजरिंग सिलेंडर, देख सकते हैं आप, ये भिन्न भिन्न साइज के होते हैं। ये ग्लास व प्लास्टिक के बने होते हैं। इनका उपयोग किसी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने में किया जाता है, यानी कि कोई लिक्विड है उस लिक्विड का आयतन जो है मापने में इस मेजरिंग सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। ये है ब्यूरेट, इसका उपयोग लिक्विड या गैस की मेजरिंग करने में किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग अननोन लिक्विड की स्ट्रेंथ मापने में किया जाता है। ये है आपके सामने ब्यूरेट स्टैंड, इसमें ब्यूरेट को लगा करके सीधा रखा जाता है ताकि जो है मापन एग्जैक्ट आए। किसी भी लिक्विड अथवा गैस का जो मेजरिंग हो वह मेजरिंग अच्छे से एकदम एक्चुअल मेजरिंग हो। ये पीपेट है, इसका उपयोग जब कम मात्रा में कोई लिक्विड या केमिकल को मापना होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। ये कांच का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है। आगे देखिए, वॉल्यूमेट्रिक पीपेट, इसका उपयोग किसी लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम को मापने में किया जाता है। इसको बल्ब या बेली पीपेट भी कहा जाता है। ये आपके सामने है ग्लास राड, इसे ग्लास स्ट्रिंग राड भी या स्टील राड भी कहा जाता है। इसका उपयोग केमिकल को मिक्स करने में किया जाता है, यानी कि कोई केमिकल होता है, जब कई केमिकल आपस में मिक्स करना होता है, मिलाना होता है, तो इस ग्लास राड का उपयोग करते हैं। इसी ग्लास राड की सहायता से किसी भी केमिकल को मिलाया जाता है। यह ठोस कांच का बना होता है। आगे देखिए, ये सब टेस्ट ट्यूब हैं। इस टेस्ट ट्यूब को आप अपने प्रयोगशाला में देखे भी होंगे, जिसे हिंदी में परख नली भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से कांच का बना होता है जो वेरियस लेंथ में होता है, मेनली 10-20 mm चौड़ाई में तथा 50-200 mm लंबाई में होता है। ये आपके सामने टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। इस स्टैंड में टेस्ट ट्यूब को रखा जाता है। जब टेस्ट ट्यूब का उपयोग प्रयोगशाला में किसी प्रयोग के लिए किया जाता है, उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को ब्रश की सहायता से अच्छे से धुल करके इसी टेस्ट ट्यूब स्टैंड में डाल दिया जाता है, रख दिया जाता है, ताकि जो है परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब जो है ब्रेक ना हो, टूटे ना। यह जो है मुख्य रूप से प्लास्टिक का बना होता है। ये भी वेरियस साइज में आते हैं, अलग अलग कलर में आते हैं। आगे है टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये जो है टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ये मुख्य रूप से टेस्ट ट्यूब को पकड़ करके रखने में काम आता है, ताकि टेस्ट ट्यूब में जो है इनको टेस्ट ट्यूब में फिट करके किसी प्रयोग के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये मुख्य रूप से स्टील के अथवा किसी आयरन जैसे मेटल के बने होते हैं, और इसका जो हत्था है जिसे होल्डर कहते हैं, यह लकड़ी प्लास्टिक का मुख्य रूप से बना होता है। यह डायग्राम है टंग का, जिसे चिमटा भी कहा जाता है। ये लकड़ी नायलान, एल्यूमिनियम या स्टील का बना होता है। ये अलग अलग डिजाइन में होता है। इसका उपयोग किसी केमिकल अथवा पाउडर अथवा किसी मिक्सचर को उठा करके रखना होता है। ये रीजेंट बाटल है, ये ग्लास
प्लास्टिक व बोरोसिलिकेट कांच की बनी होती है। इसका उपयोग केमिकल, लिक्विड, पाउडर आदि को रखने में किया जाता है। इस बाटल में जो है किसी लिक्विड को, किसी केमिकल को अथवा किसी जो है केमिकल वाले पाउडर को रखने में किया जाता है। यह है फनल, जिसे कीप भी कहा जाता है। इसका उपयोग किसी केमिकल को किसी फ्लास्क में रखने के लिए अथवा टेस्ट ट्यूब में डालने के लिए अथवा एक फ्लास्क से दूसरे फ्लास्क में किसी केमिकल को जो है पलटने के लिए, डालने के लिए इस कीप का उपयोग किया जाता है, इस फनल का उपयोग किया जाता है। यह है राउंड बॉटम फ्लास्क, इसे आरबी फ्लास्क या आरबीएफ फ्लास्क भी कहा जाता है। उपयोग जो है मुख्य रूप से किसी लिक्विड को रखने में अथवा जो है किसी पाउडर को रखने में किया जाता है। यह है फ्लैट बॉटम फ्लास्क, इसकी तली देखेंगे, इसका बॉटम देखेंगे, चपटा रहता है, चौड़ा रहता है। फ्लैट राउंड फ्लास्क और जो है बॉटम राउंड फ्लास्क में थोड़ा सा अंतर होता है। बॉटम राउंड फ्लास्क का जो पेदी होता है वह गोल होता है और फ्लैट बॉटम फ्लास्क का पेदी जो है चपटा होता है, चौड़ा होता है। इन दोनों फ्लास्क का उपयोग जो है केमिकल को रखने अथवा किसी लिक्विड को रखने अथवा किसी केमिकल वाले पाउडर को रखने में किया जाता है, जो बाहर की वायु को अवशोषित करके अथवा बाहर की नमी को अवशोषित करते हैं, उनको किसी नमी अथवा वायु से बचाने के लिए वह फ्लैट बॉटम फ्लास्क में रखा जाता है। ये आपके सामने है आयोडीन फ्लास्क। देखिए ये जो आयोडीन फ्लास्क होते हैं ये फ्लैट बॉटम फ्लास्क अथवा राउंड बॉटम फ्लास्क से थोड़ा भिन्न होते हैं। इसमें होता क्या है कि देखिए इनकी गर्दन जो है कुछ लंबी होती है और ऐसे आयोडीन फ्लास्क में मुख्य रूप से जो है आयोडीन को रखा जाता है अथवा ऐसे केमिकल को रखा जाता है जो बाहर की वायु को पूरी तरह से अवशोषित करके बॉइल कर जाते हैं। ये आपके सामने मोटर एंड पेस्टिल है। ये मुख्य रूप से मिक्सिंग पाउडर कप के आकार की होती हैं। ये स्टोन या मेटल या लकड़ी या सिरेमिक की बनी होती हैं। इसका उपयोग जो है पूरी तरह से किसी जो है पाउडर को मिक्स करने में अथवा किसी सॉलिड को जो है पाउडर बनाने में किया जाता है। ये वॉच ग्लास है। ये मुख्य रूप से कांच की होती है और इसका उपयोग लिक्विड को इस पर रख करके वाष्पीकरण कराने में किया जाता है। इसका उपयोग बीकर पर उल्टा रख करके भी किसी लिक्विड को गर्म कर सकते हैं। यह है पेट्री डिश। इसका उपयोग माइक्रोबायोलॉजिकल क्षेत्र में किया जाता है। किसी सूक्ष्म जीव को इस पेट्री डिश पर रख करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका अध्ययन किया जाता है। ये ट्राईपाई स्टैंड है, यानी कि त्रिपाई स्टैंड है। इसका उपयोग रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में एक स्टैंड के रूप में किया जाता है, जिस पर जो है किसी कोनिकन फ्लास्क अथवा अन्य फ्लास्क को रख करके प्रयोग कराया जाता है। और इसी त्रिपाई स्टैंड के नीचे स्पिट लैंप को रखा जाता है अथवा बर्नर को रखा जाता है, ताकि जो है वह फ्लास्क आसानी से गर्म किया जा सके। यह है वायर गेज। ये मुख्य रूप से जो है पतले पतले वायर की बनी होती है या पतले पतले वायर की बनी एक जाल जैसी संरचना के रूप में होती है। ट्राईपाई स्टैंड के ऊपर जो है इसी वायर गेज को रखा जाता है और इसके ऊपर जो है किसी फ्लास्क को रख करके प्रयोग कराया जाता है, किसी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग कराया जाता है। यह है वॉश बॉटल। ये मुख्य रूप से प्लास्टिक की बनी होती है, जिसमें कुछ केमिकल अथवा कुछ वाटर को रखा जाता है। किसी फ्लास्क को साफ करने में, किसी जो है टेस्ट ट्यूब को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये डिस्पेंसिंग बैलेंस है और इस डिस्पेंसिंग बैलेंस का उपयोग रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में किसी केमिकल को मापने अथवा तौलने में किया जाता है। अब ये ट्रिपल बीम बैलेंस है। इस ट्रिपल बीम बैलेंस का भी उपयोग जो है रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में किसी केमिकल को तौलने अथवा मापने में किया जाता है। ये जो डिस्पेंसिंग बैलेंस और ट्रिपल बीम बैलेंस है, इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। जो डिस्पेंसिंग बैलेंस होता है इसमें दो पोल होते हैं और जो ट्रिपल बीम बैलेंस होता है इसमें तीन पोल होते हैं। ये स्ट्रापर, जिसे बंग भी कहा जाता है, इसका उपयोग फ्लास्क को बंद करने में किया जाता है। कोई फ्लास्क होता है उस फ्लास्क के मुंह को बंद करने में, क्लोज करने में किया जाता है। ये रबर, कांच व लकड़ी का बना होता है। ये डेसिकेटर है। ये अलग अलग साइज के होते हैं, जो किसी मेडिसिन को अथवा किसी केमिकल को वायु से खराब होने से बचाते हैं। इसलिए ऐसी जो है दवाओं को अथवा ऐसी केमिकल को इस डेसिकेटर में भर करके रख दिया जाता है। जो मेडिसिन रखी जाती है उसमें उस मेडिसिन की नमी को अवशोषित करके बाहर निकाल देती हैं, वाष्पित करा देती हैं। तो इसका उपयोग जो है रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में किसी दवा, जिसे मेडिसिन कहते हैं, अथवा किसी केमिकल को रखने में किया जाता है। ये चाइना डिश है। ये प्याले जैसी संरचना के रूप में होता है। इसका उपयोग
किन्हीं दो केमिकल को आपस में मिक्स करने में किया जाता है। यह है स्पैटुला। इसका उपयोग केमिकल या पाउडर को उठाने में किया जाता है। इसे देखिए, यह है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये लंबी गर्दन वाला होता है। इसका उपयोग किसी लिक्विड को एग्जैक्ट मेजर करने में किया जाता है। ये लगभग 5, 10, 25, 50, 100 अथवा 500 ml साइज में उपलब्ध होते हैं। यह है वायल्स। इसका दूसरा और नाम फायल और फ्लैकान होता है। ये सबसे छोटी बाटल होती है। इसमें किसी कैप्सूल अथवा लिक्विड को रखा जाता है। ये डेंसिटी बाटल है। इसमें किसी लिक्विड को भरा जाता है। किसी लिक्विड की डेंसिटी को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। ये विंग बाटल है। इस विंग बाटल का उपयोग किसी सॉलिड पाउडर को एग्जैक्ट मापने में किया जाता है। इसे देखिए, थर्मामीटर है। इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस थर्मामीटर का उपयोग टेम्परेचर को मापने में किया जाता है। अलग अलग टेम्परेचर को मापने में इस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ये थर्मामीटर रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में डिग्री सेल्सियस के रूप में अथवा फारेनहाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। ये वाटर बाथ है। इसका उपयोग रसायन विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि लैब में गर्म पानी को गर्म रखने के लिए किया जाता है। ये हॉट प्लेट है। ये किसी लिक्विड को मिक्स करने में अथवा किसी लिक्विड को गर्म रखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये डिस्टिलेशन पार्ट्स है। इसको अपने रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में आप अच्छी तरह से देखे होंगे। इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में डिस्टिल वाटर बनाया जाता है, यानी कि जिसे आप जो है आसुत जल कहते हैं। इसी डिस्टिल वाटर का उपयोग जो है स्टेराइल को साफ करने में और रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में किसी मिक्सचर को मिक्स करने में किसका उपयोग किया जाता है, इस आसुत जल का, इस डिस्टिलेशन लिक्विड का। ये एजान, जिसे लैब कोट भी कहा जाता है, ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। अर्थात रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में किसी प्रयोग को करने से पहले इस एजान अर्थात लैब कोट को पहन लिया जाता है, जो किसी केमिकल से हमारे जो है स्किन को प्रोटेक्ट कराता है, सुरक्षा प्रदान कराता है। ये देखिए, सीव है, जिसे चलनी कहा जाता है। इसका उपयोग किसी मिक्सचर पाउडर को चालने में किया जाता है। ये पाउडर के शेप के आधार पर अलग अलग जो है साइज के होते हैं। अलग अलग इसके जो है इसमें अलग अलग छिद्र पाए जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।